नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की रबड़ी, जो कि सीजनल डिश भी है और टेस्ट भी बहुत लगती है। तो आइए आम की रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। आम की रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। दूध आप कच्चा भी ले सकते हैं, उसे गर्म कर सकते हैं। मैंने एक बार गर्म किया हुआ दूध लिया है, अगर आपके पास गर्म किया हुआ है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब हम इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। एक उबाल हमारा आ चुका है, अब मैं गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे हम दूध को उबाल रहे हैं और ये जो पतली मलाई आ जाती है दूध पे, इसको मैं किनारों पे लगाए जा रही हूँ, ताकि हमारी जो रबड़ी बनेगी उसके लच्छे जो बाद में निकल के आएंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे इस मलाई से। हमारा दूध पूरा उबल चुका है और हमारा दूध उबल उबल के इतना सा रह गया है और साइडों में हमने सारे मलाई लगा दी थी। अब हम इसमें 1/3 कप चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम गैस पे पकाएंगे। हमारा दूध और गाढ़ा हो जाएगा जब तक। दूध उबल चुका है, अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। दूध ठंडा हो चुका है, अब हम जो ये हमने मलाई लगाई थी, इकट्ठी करी थी सारी, उसको निकालेंगे और दूध में मिक्स करेंगे। क्योंकि एक मैंगो रबड़ी है, मैंने इसके लिए एक मीडियम साइज का आम लिया है, आधे का पल्प बना लिया और आधे का मैंने पीसेस कर लिए। अब पल्प को रबड़ी में मिलाएंगे ताकि उसमें मैंगो का टेस्ट आ जाएगा। पल्प को पूरा हमने रबड़ी में मिला दिया है, मिक्स करेंगे। आम का रबड़ी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम आम के स्लाइसेस मिलाएंगे, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करते हैं और पिस्ता और मैंगो स्लाइस से गार्निश करते हैं। क्योंकि अब ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, तो हम इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। रबड़ी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।